तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि टिकटॉक फिर से वापस आने वाला है। तो गाइज, टिकटॉक वापस आने के बाद क्या आप उसे फिर से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में चलाना चाहोगे? और गाइज, उस पर वीडियो देखना आपको पसंद अच्छा लगता है? और गाइज, आप उससे वीडियो बनाओगे? तो गाइज, ट्विटर पर मिस्टर गांधी जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि टिकटॉक फिर से वापस आने वाला है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि जैसे रील्स जो से स्नैक वीडियो जैसे प्लेटफार्म है, जो मेड इन इंडिया आप उसे वीडियो बना रहे हैं, आप उसकी तरह ही टिकटॉक पे वीडियो फिर से बना पाओगे? तो गाइज जी हाँ, बना पाओगे, क्योंकि टिकटॉक फिर से वापस आने वाला है। गाइज, मेरा मानना यह नहीं कि मेड इन चाइना ऐप्स है। गाइज, फिर से वह अपनी गलती को सुधारते हुए फिर से लाना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि गाइज, जैसे कि पबजी आ चुका है, आपके परिणाम स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा। गाइज, उस ऐप्स में यही था कि जैसे पबजी में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लेकर के हम लोगों की गवर्नमेंट ने जो सवाल उठाई थी, वैसा ही उसमें था। और गाइज, आपको बता देता हूँ कि जैसे टिकटॉक में प्राइवेसी डाटा हम लोगों की लीक हो रही थी, अब वह बंद करके जो इंडिया में हम लोगों की डाटा रहेगी। और आज के इस वीडियो में यही रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें। और गाइज, टिकटॉक के रिलेटेड आप अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में यही रहा। और गाइज, मैं बता देता हूँ कि जो मिस्टर गांधी हैं, जो इंडिया के हेडक्वार्टर से हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है यह बात। अगर बात सच होती है तो इस वीडियो को मैं आपको अगले वीडियो में कुछ आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।